सीखेंगे पिज्जा सॉस बनाना। इसके लिए हमने ये गरम पानी किया है, इसके लिए हमने ये 2 टोमेटो लिए हैं, इसको हमें कट करना है हाफ और ये गरम पानी में जाएगा। आप देख सकते हैं हाफ कट कर दिया मैंने, और इसको हमें 5 मिनट तक ऐसे गरम पानी में उबालना है। चलो तो चेक करते हैं, टमाटर देखो हमारे बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका छिलका अलग हो चुका है, इसको हमें निकालना है बाउल में। अब इसको हमें छिलके निकाल के मिक्सी जार में प्यूरी बनाना है इसकी। चलो इसको इसके छिलके निकालते हैं और इसको मिक्सी जार में डालते हैं। प्यूरी बनाते हैं हम। ये देखो हमारा टोमेटो प्यूरी रेडी है। चलो पिज्जा सॉस बनाते हैं। ये हमने पैन लिया है, उसमें हम तेल डालेंगे 2 चम्मच, ये तेल हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम ये बारीक कट किया गार्लिक 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद ही हमने टोमेटो प्यूरी बनाई वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे। और 1 चम्मच शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरेगानो, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद टोमेटो केचप ऐड करेंगे 2 चम्मच। बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो भी ऐड करेंगे थोड़ा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। थोड़ा सा और तीखा बनाने के लिए, पिज्जा सॉस तीखा बनाने के लिए मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसे हमें 2 मिनट तक उबलना देना है। अब देख सकते हैं ये हमारा पिज्जा सॉस रेडी है, नजीक से बता रही हूँ। देखो इतना स्पाइसी बना है। अब जो स्पाइसी खाते हो तो स्पाइसी बनाइए, मिर्ची पाउडर का आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैं बाउल में निकाल रही हूँ। अगर आपको ये हमारे पिज्जा सॉस की रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।